वेलकम दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल फातिमा एसईओ में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत दिनों बाद एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ही बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी बहुत ज्यादा अपने बाल झड़ने से बहुत ज्यादा परेशान हैं, अब कितना भी इलाज कर चुके हैं फिर भी फायदा नहीं हुआ। झड़ते हैं कि वो एक महंगे से महंगे तेल को भी इस्तेमाल करके उन्हें बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन आज जो मैं तेल बनाने 4000 रुपए वाले तेल को टक्कर देगा। तो चलिए आप लोग जान लेते हैं इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर नारियल का तेल। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं ज्यादा तेल बना रही हूँ इसलिए मैं तकरीबन इसमें 1 किलो तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हमारे पास तिल का तेल है, ये भी तकरीबन 250 ग्राम होगा। 1 किलो पैराशूट ऑयल, 250 ग्राम मैंने तिल का तेल ले रखा है, सेसमी ऑयल, ये भृंगराज, रीठा, आंवला और ये कुछ शिकाकाई। आंवला, शिकाकाई और भृंगराज, इन तीनों को पहले आपको सर तीनों को बराबर लेना है। जैसे आप अगर आधा किलो तेल बना रहे हैं तो आधा किलो तेल में आप इसमें 1-1 कप इन तीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक किलो तेल बना रहे हैं तो इसमें आपको 1.5 कप लेना पड़ेगा। और रीठा आपको कम इस्तेमाल करना है। जैसे अगर तीनों चीजें 1-1 कप इस्तेमाल कर रहे हैं या 100-100 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको रीठा 25 ग्राम इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन सबको आपको एक साथ लेकर पानी में आधा किलो पानी में भिगा कर रख दें रात भर। ओवर रात भर इनको ये सारी चीजें एक साथ इसमें भिगा कर रख दिया, आधा किलो पानी इसमें डाला था, इसको अलग रख देते हैं। ये मेरे पास ब्राह्मी है, अगर आपके पास ताजी ब्राह्मी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर ताजी ब्राह्मी नहीं मिल रही है तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ब्राह्मी पाउडर आता है आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास आंवला पाउडर ना हो तो आप ये पतंजलि का दिव्य का त्रिफला चूर्ण भी ले सकते हैं या आंवला चूर्ण भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जितने 100 ग्राम पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आ चुका है। अब इसके अंदर जो ब्राह्मी है मैं इसमें ऐड कर दूंगी, इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए इसे ढककर अच्छे से पकने देना है गैस पर। गैस ऑन कर दिया है, इसे मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए पकने दूंगी। थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड कर लूंगी। पानी आपको ज्यादा ऐड नहीं करना है, सिर्फ इतना रखना है कि सारी चीजें अच्छे से पक जाए। इसे चले अब हम अच्छे से ढक देते हैं। तकरीबन इसे 20 मिनट तक के लिए पकने देना है हमें, फिर बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अब हम देख लेते हैं कितना पक चुका है, 20 मिनट हो चुका है। अब देख सकते हैं कितना पानी डाला था और कितना कम पानी बचा है। अब इसे हम धीरे धीरे सब निकाल लेते हैं। हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ये तेल बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी। मैंने फटाफट से सारे निकाल लिए, अभी भी थोड़े बहुत बचे हुए हैं, इनको भी अच्छे से छान लेती हूँ। अगर आप इस तेल का इस्तेमाल करेंगे 1 महीने के अंदर आप देखेंगे आपके बाल बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे। ये बालों की हर परेशानी को दूर करता है। जितनी खाज खुजली के लिए बहुत अच्छा तेल है, कहीं खुजली होती हो तो आप इसे लगा लेंगे। इसमें बस आपको कपूर ऐड करना है और इसे मिला के लगा लें तो खुजली दूर। साफ कर लिया है, देखें कितने अच्छे तरीके से बाल हो चुके हैं, पानी बहुत ही अच्छे से छन चुका है। इससे आप स्प्रे भी बना सकते हैं, हेयर स्प्रे। आपको इसमें सिर्फ इतना लेना है, 1 कप ये पानी लेना है, तकरीबन 1 चम्मच आपको ग्लिसरीन और 1 ही चम्मच आपको एलोवेरा जेल इस्तेमाल करना है। अगर आपके ज्यादा ड्राई बाल हैं तो आप 2 चम्मच एलोवेरा ले सकते हैं, एलोवेरा जेल। इनको मिलाकर शेक कर लें अच्छे से और इसको आप स्प्रे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, 1 kg ऑयल ऐड कर रही हूँ। पैराशूट ऑयल है, आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी बोतल डाल रही हूँ, ये रीठे की वजह से इसमें झाग आ चुका है। अगर आप लोग इस तेल को बनाएंगे तो रीठा ऐड करेंगे तो रीठा कम ऐड करना है।
तेल में मीठा ज्यादा ऐड करने से बाल झड़ने लगते हैं, फिर हमें लगता है तेल अच्छा नहीं बना है। अब इसे हम अच्छे से पकने देंगे। इसे जब तक पकाना है जब तक पानी जल ना जाए, जब फ्लेम कम ही रखना है, नहीं तो ये इसमें रीठा पड़ा है इसलिए इसमें ज्यादा फेना आ रहा है और फेने की वजह से ये बह भी सकता है। देखिए मैंने ये पूरा डाल दिया है और ये भी पूरी शीशी डाल चुकी हूँ, ये दोनों बॉटल मैंने डाल दिया है। अभी मेरे पास सेसमी ऑयल मतलब तिल का तेल, अभी तिल का तेल रखा हुआ है और ये दोनों शीशियाँ रखी हुई हैं, इनको मैं नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। जब ये तेल बन जाएगा तब मैं इन दोनों को इस्तेमाल करूँगी। ये दोनों चीज़ें डल चुकी हैं, अभी हमें 20 मिनट का इंतजार और करना पड़ेगा, तो 20 मिनट बाद मैं फिर से मिलती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को 20 मिनट बाद मिलती हूँ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ऑयल हमारा अच्छे से बन चुका है, आप देख सकते हैं ये मलाई की तरह ये बन चुका है, इसे हम अलग कर लेंगे। और ये तेल अब इसे हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। ये जो मलाई है इसे हम अलग कर लेते हैं। अब आप वो सारी तेल ऐड कर देंगे जो हमारे पास पहले से रखे हुए हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप ऐड भी ना करें, पहले से डाल दें। इसको बाद में इसलिए डाल रही हूँ, इससे क्या होगा हमारी जो गैस है वो भी काफी हद तक बचेगी, ज्यादा हमें पकाना नहीं पड़ेगा तेल को और तेल भी जल्दी से बन जाएगा। तिल का तेल ऐड कर रही हूँ, सो फ्रेंड्स तेल तो बनके तैयार हो गया है, हमारा तेल बनके रेडी हो चुका है। अभी इसमें जो छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं इसे एक मिनट और अच्छे से पकाना होगा, तब ये बबल्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। इस्तेमाल करेंगे इसको 15 दिन में आपको बहुत ज्यादा फर्क दिखने लगेगा, कितने भी बाल झड़ते रहेंगे ये तेल बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। एक हफ्ते के अंदर आपकी बालों की परेशानी में ये नहीं कहूँ पूरी तरीके से खत्म कर देगा, लेकिन काफी हद तक होममेड ही तेल इस्तेमाल करती हूँ इसलिए मैंने इतना ढेर सारा तेल बना रखा है। सो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कल मैं फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।